नागपुर जिला परिषद की 16 और पंचायत समिति की 31 ओबीसी सीटों पर होने वाले उपचुनाव को कोरोना महामारी को देखते हुए रोकने की मांग का ज्ञापन प्रदेश भाजपा महामंत्री चंद्रशेखर बावनकुड़े के नेतृत्व में जिलाधिकारी को सौंपा गया है। नागपुर जिले में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भाजपा की ओर से नागपुर जिला परिषद की 16 और पंचायत समिति की 31 ओबीसी सीटों पर होने वाले उपचुनाव को रोकने की मांग की गई है। राज्य चुनाव आयोग की बात आज प्रदेश भाजपा महामंत्री चंद्रशेखर बावनकुड़े के नेतृत्व में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें कोरोना के बढ़ते संक्रमण और ओबीसी आरक्षण पर फैसला आने के बाद ही उपचुनाव लिए जाए ऐसी मांग ज्ञापन के द्वारा की गई है। ऐसी जानकारी बावनकुड़े इन्होंने दी है। राज्य निवडणूक आयोगानंतर आम्ही आज जिल्हाधिकारी नागपूर यांना नागपूर जिल्हा परिषद मध्ये ज्या 16 जागा जिल्हा परिषदेच्या आणि 31 पंचायत समितीच्या निवडणुका लागल्या, या निवडणुका थांबवाव्या, कारण नागपूरमध्ये कोरोनाचं संक्रमण वाढलं, अजून कडक निर्बंध काल महाराष्ट्र सरकारने लावले आणि त्यामुळं कलेक्टर आणि विभागीय आयुक्तांनी निवडणूक आयोगाला त्या ठिकाणी कळवलं पाहिजे की कोरोनाच्या संक्रमणामध्ये आम्ही निवडणुका घेऊ शकत नाही। दुसरं, ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत या राज्यामध्ये निवडणुका आम्ही होऊ देणार नाही, घेणार नाही, असं माननीय ओबीसी मंत्री वडेट्टीवार जी यांनी जाहीर केलं आहे आणि कालही त्यांनी तसं सुतवा केला आहे। तर जे मग राज्य सरकारची त्या ठिकाणी घोषणा केली असेल राज्य सरकारने की आम्ही जोपर्यंत ओबीसी आरक्षणाचा तिळा सुटत नाही तोपर्यंत कोणत्याही परिस्थितीमध्ये निवडणुका होऊ देणार नाही, आणि तिसरंही त्यांनी असं म्हटलं की कोरोनाच्या संक्रमणाची लाट असल्यामुळं आम्ही निवडणुकीकरता राज्य सरकारचा स्टाफही देणार नाही। तर मला वाटतं मग जर इतक्या घोषणा केल्या आहे तर आम्ही आज कलेक्टरला विनंती केली आहे की सरकारकडनं अशा घोषणा झाल्या आहे आणि नागपूरची परिस्थिती उद्या पुन्हा कोरोनाचे संक्रमण वाढू नये म्हणून आपणही आपला अहवाल जो वस्तुस्थिती अहवाल आहे तो गव्हर्नमेंटला पाठवावा अशी विनंती आम्ही कलेक्टरला केली आहे। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिलाधिकारी और विभागीय आयुक्त द्वारा राज्य चुनाव आयोग को जानकारी देकर चुनाव फिलहाल के लिए रोके जाए, साथ ही ओबीसी आरक्षण पर फैसला जब तक नहीं आता तब तक किसी भी तरह के चुनाव राज्य में नहीं होंगे, ऐसा ओबीसी मंत्री विजय वडेट्टीवार इनके द्वारा कहा गया है। साथ ही कोरोना संक्रमण की लहर के चलते चुनाव के लिए राज्य सरकार की ओर से किसी भी तरह का स्टाफ नहीं दिया जाएगा। इन सभी मुद्दों के मद्देनजर जिला परिषद के 16 सीटों और पंचायत समिति के 31 सीटों पर होने वाले चुनाव रद्द किए जाए। कैमरा पर्सन माइकल रामपुरे के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।